बातें आ रही है। प्रेमचंद अग्रवाल जी जो तब स्पीकर थे अब वित्त मंत्री, उनका ये कहना है कि आपको भी नियमों की जानकारी होनी चाहिए थी जब ये कोर्ट किया गया कि आपने वो फाइल को मना किया था। सर पूरा हुआ क्या था, आपके पास कितनी बार ये फाइल आई, क्या कुछ आया आपके समय की अगर बात करें? ये फाइल तो ये काफी दिन से चल रही थी और मैंने उसमें अंत में एक नोट लिखा था कि जो भी भर्तियां करनी हैं उनको पूर्ण पारदर्शिता के साथ और आयोग से कराई जाए। फिर मार्च के महीने में मैं हट गया, उसके बाद क्या हुआ उसकी जानकारी मुझे नहीं है। ये अभी अभी जब समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली कि विधानसभा में भर्तियां हुई हैं और तथाकथित रूप से उसमें अपने अपनों को नौकरियां दी गई हैं, ये मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा और मैंने उस दिन भी ये बात कही थी कि मैं सैद्धांतिक बात कहूँगा क्योंकि मुझे उस समय तक जानकारी नहीं थी कि कोई भी नियुक्तियाँ उस पर सबका समान अधिकार है और इसलिए नियुक्तियाँ देते समय पूर्ण पारदर्शिता बरती जानी चाहिए, चाहे राष्ट्रपति का भवन हो, चाहे राजभवन हो या फिर अन्य जहाँ जहाँ भी सरकारी खजाने से पैसा जाता है उस पैसे का ठीक तरीके से और सदुपयोग होना चाहिए और नियुक्तियाँ, चाहे उमा देवी वर्सेस कर्नाटक सरकार का जो देश की सबसे बड़ी बेंच थी 7 जजेज की, उनका निर्णय हो, चाहे मैं देख रहा था कल पार्टी के जो प्रवक्ता हैं हमारे उन्होंने भी अनुच्छेद 14 और 16 का जिक्र किया है संविधान की, तो उन सब चीज़ों का मर्यादाओं का ध्यान रख